हेलो गाइस, दिस इज संतनु। वेलकम टू स्टडी एजकल। गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे विश्व के सबसे ऊंची 10 मूर्तियों के बारे में और इसका हाइट्स और इसका लोकेशन के बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले जो आता है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि इंडिया में ही है, और इसका जो हाइट है वो 182 मीटर की है। और ये 182 मीटर हाइट रखने के पीछे कारण ये है, गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सीट्स का नंबर है वो भी 182 मीटर है। सो फ्रेंड्स, उसको मैचिंग करने के लिए इस स्टैचू का जो हाइट है उसको 182 मीटर रखा गया है। और इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो नर्मदा रिवर के ऊपर है और सरदार सरोवर डैम को फेसिंग करते हुए ये स्टैचू को बनाया गया है। और ये केवड़िया कॉलोनी गुजरात में ही प्रेजेंट लोकेटेड है। और ये जो स्टैचू है ये रिप्रेजेंट करता है हम लोग के इंडिया के स्टेट्समैन और इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिसका जिनका बर्थ जो हुआ था 1875 में और जो डेथ हुआ था 1990 में। और इसको डिजाइन किए थे इंडियन ही थे, वो राम भी सुतार थे। और इसको पीएम नरेंद्र मोदी ने ही इनाग्रेट किए थे उनके 143 बर्थ एनिवर्सरी पे। सेकंड हाइस्ट जो आता है फ्रेंड्स वो है स्प्रिंग टेंपल बुद्धा, जिसका हाइट है 153 मीटर और इसका जो बेस है वो 25 मीटर के लोटस पेडेस्टल है, उसको मिला के उसका हाइट जो है 153 मीटर। और ये भैरवकन्ना बुद्ध जी को रिप्रेजेंट करता है और ये हैनान चाइना में ही सिचुएटेड है। उसके बाद जो फ्रेंड्स आता है थर्ड टॉलेस्ट जो स्टेचू है वो है लाइक्यून सेटाकर, जिसका हाइट है 116 मीटर। और ये जो है फ्रेंड्स ये गौतम बुद्ध जी को ही रिप्रेजेंट करता है। और इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है मनीवा म्यांमार में। और इसको बनाने में 1996 से लेके 2008 तक का टाइम लगा था। और नेक्स्ट में जो आता है फोर्थ टॉलेस्ट स्टैचू वो है उसीकु डाइबुत्सु, जो कि 110 मीटर्स का हाइट का है और इसका जो बेस है वो 10 मीटर्स टॉल है, लेकिन उसको एक्सक्लूडिंग इसका जो हाइट है 110 मीटर्स। और इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है उसीकु सिटी जापान में, और ये भी अमिताभ बुद्ध जी को ही रिप्रेजेंट करता है। और ये स्टैचू का खास ये है कि ये पूरा स्टैचू ब्रॉन्ज से ही बना हुआ था। नेक्स्ट जो आता है फ्रेंड्स वो है फिफ्थ टॉलेस्ट स्टैचू, जो है सेंडाई डाइकानोन, जो कि 100 मीटर्स की है और इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है सेंडाई जापान में, और ये भी रिप्रेजेंट करता है बोधिसत्व कानून, जो कि शिंगुन बुद्धिज्म से है। और इसका जो इंटीरियर है फ्रेंड्स उसको 12 लेयर्स में डिवाइड किया गया है और उसके अंदर 108 बुद्ध स्टैचू इसके अंदर में रखा गया है। नेक्स्ट में जो आता है फ्रेंड्स वो है सिक्स्थ लार्जेस्ट टॉलेस्ट स्टैचू, जो कि है कियांगसु कियानियन गुएनिन ऑफ वेशन, जिसका हाइट है 99 मीटर्स फ्रेंड्स। और इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है चांगसा चाइना में है। और इसको फ्रेंड्स और एक नाम से भी जाना जाता है, वो है गुइशन गुएनिन ऑफ द थाउजेंड हेड्स एंड आइज, और ये रिप्रेजेंट करता है अवलोकितेश्वर, जिसको हम लोग बुद्धिस्ट बोधिसत्व भी बोलते हैं। नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स सेवेंथ टॉलेस्ट जो स्टैचू है वो है ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड, जो कि 92 मीटर्स की है टॉलेस्ट में और इसका जो विड्थ है वो है 63 मीटर्स वाइड। और ये जो लोकेटेड है वो है वट मुंग टेम्पल थाईलैंड में ही है। हाँ फ्रेंड्स, इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, वो है द बिग बुद्धा। और इसको बनाने में फ्रेंड्स 1990 से लेके 2008 तक का टाइम लगा था, मतलब लगभग 18 ईयर्स का टाइम लगा था। उसके बाद जो आता है फ्रेंड्स जो कि है एट्थ टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, वो है डाइकानोन ऑफ किटा, और इसका जो हाइट है वो है 88 मीटर्स फ्रेंड्स। एंड इसका जो लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन है, वो है मियाको पार्क जापान में, और ये रिप्रेजेंट करता है अवलोकितेश्वर को। और इसका कंस्ट्रक्शन जो शुरू हुआ था वो था 1975 से लेके 1989 तक का टाइम लगा था। नेक्स्ट में आता है जो फ्रेंड्स वो है नाइन्थ टॉलेस्ट स्टैचू, जो कि द मदरलैंड कॉल्स, और इसका जो हाइट है वो है 85 मीटर्स और इसका जो लोकेशन है वो रूसिया में है। इसमें दिखाई देता है जो एक ओमेन स्टेपिंग फॉरवर्ड विथ ए रेज सॉर्ड, एक ओमेन है जो कि फॉरवर्ड स्टेपिंग करके एक हाथ में एक सॉर्ड लेके उठा के रखते हैं। और सबसे लास्ट में जो टेंथ टॉलेस्ट स्टेचू आता है वो है अवजी कानून, जिसका हाइट है 80 मीटर्स एंड इसका जो लोकेशन है फ्रेंड्स वो है अवजी आइसलैंड जापान में, और इसको भी हम लोग पीस जियंट कानून के नाम से ही जानते हैं। ये थे फ्रेंड्स वर्ल्ड के 10 टॉलेस्ट स्टैचू के बारे में। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह का एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कोई अगर सजेशन देना है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।